तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां श्री आदि विश्वेश्वर ज्ञानवापी मंदिर के मॉडल का अनावरण किया गया। इसके जरिए लोगों को ये बताया जा रहा है कि ध्वस्त किए जाने से पहले ये मंदिर कैसा दिखता था। मंदिर के मॉडल के साथ आदि विश्वेश्वर मंदिर के दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। अगले साल राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम भक्तों के लिए एक नए रूट का ऐलान कर दिया है। इस रूट से बड़ी संख्या में भक्तों की एंट्री राम मंदिर में हो सकेगी। तमिलनाडु के मदुरई से भी शुभ समाचार। यहां कल्लाझागर मंदिर में मॉड्यूलर किचन की शुरुआत की गई। किचन में तरह तरह के पारंपरिक पकवान बनाए जा रहे हैं। नई व्यवस्था से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को फायदा भी हो रहा है और वो खुश दिखाई दे रहे हैं। शानदार तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। गुजरात के सापुतारा और गिरधूर में से और यहाँ झरना लोगों को आकर्षण का मुख्य केंद्र इस वक्त बना हुआ। लोगों की भारी भीड़ इस वक्त उमड़ रही है शानदार नजारे को देखने और बोटिंग का आनंद उठाने के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं। तस्वीरें असम के डिब्रूगढ़ की हैं, जहां महिलाओं का समूह सैनिकों के लिए राखी बनाने में जुटा है। इन राखियों को सरहद पे तैनात सैनिकों को भेजा जाएगा और इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को मनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में पुलिस के जवानों ने शानदार मिसाल पेश करते हुए पानी में गिरे डॉगीज को बचाया। यहां बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। लोग पुलिस के इस काम की तारीफ कर रहे हैं। यूपी के सुल्तानपुर से गुड न्यूज है। सुल्तानपुर निवासी प्रतिभा श्रीवास्तव ने मिसेस इंडिया वर्ल्ड के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। प्रतिभा की इस कामयाबी से परिवार में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा है। तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ से निकल कर आ रही हैं। एसपी रवि वासम तेजा शेट्टी का ट्रांसफर गांधीनगर में हुआ। इस मौके पर पुष्प वर्षा करके और बैंड बजाकर उन्हें विदाई दी गई। रवि वासम 3 साल तक जूनागढ़ के एसपी रहे। इस दौरान उन्होंने अपने शानदार काम से लोगों का दिल जीत लिया। यादगार विदाई उसी के नतीजे। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास ने दिल्ली के में ट्रांसप्लांट गेम्स का आगाज किया। इसका मकसद क्रिटिकल हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित करना है।